बनाने वाले हैं नारियल के सूखे लड्डू, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। बिल्कुल बाजार जैसा बना के रेडी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है और इसे 15 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 3 सामान से बन जाता है और देख सकते हैं कि अंदर से भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आसान भी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए। अब इसमें एक बड़े साइज़ की कटोरी के नाप से डाला है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बूरा, इसे बूरा नारियल भी बोलते हैं, और इसे डाल के अच्छे से चलाते हुए इसे गोल्डन कर लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन बिल्कुल नहीं करना है, हल्का गोल्डन करना है और गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं कीजिएगा वरना इसका कलर ज़्यादा चेंज हो जाएगा और अच्छे से भुनेगा भी नहीं। और यहाँ पे हमने घी नहीं डाला है, नारियल में अपना ही ऑयल निकलेगा तो उससे ही इसे अच्छे से भून लेना है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ नारियल डाला है, उसे अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे। और ये देखिए मीडियम फ्लेम पर ही रखा है, इसे अच्छे से भून गया है। ये 5 मिनट में भून के रेडी हो जाता है। इसे भूनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और याद रखिए गैस की फ्लेम हमेशा लो ही रखनी है, लो टू मीडियम। और बस उसी गर्म कढ़ाई पे ना हमने ये मावा डाल दिया है। ये मावा फ्रिज में रख दिया था मैंने, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था। जैसे ही हमने इसे गर्म कढ़ाई में डाला ना, ये अपने आप थोड़ी देर में गर्म हो कढ़ाई पर सॉफ्ट हो गया है। तो बस गैस की फ्लेम हमने बंद ही रखी है, इसे गर्म कढ़ाई पर डाल दिया जिसे अच्छे से फिर से अपने उसमें आ गया है। तो बस अब हमने उसे ठंडा होने दिया है। जैसे ये दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगी ना, मावा और ये नारियल का बूरा, तो बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए अभी हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ही गुनगुना सा है, अब इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मिक्स करने के बाद अब जिस कटोरी से हमने इसमें नारियल का बूरा डाला था ना, उसी कटोरी से एक कटोरी ही भरकर हमने यहाँ पर बूरा चीनी डाला है। जो महीन वाली चीनी आती है ना, जो लड्डू में यूज होती है, बस ये वही चीनी है। आपके पास अगर ये नहीं है ना तो आप पीस कर भी चीनी ले सकते हैं। और बस इसे भी अच्छे से हाथों से मिक्स कर दिया है। नारियल और चीनी हमने सेम क्वांटिटी में लिया है, इतना परफेक्ट होगा। आप थोड़ा सा चेक करके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इतना परफेक्ट था लड्डू में। और बस इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे मावा चीनी और बूरा नारियल को। और मिक्स करने के बाद इसके लड्डू बना लेंगे। देखिए हमने घी अलग से बिल्कुल भी नहीं डाला है इसमें, लेकिन नारियल में अपना जो तेल होता है ना, ये अच्छे से निकल आता है। जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे ना तो अच्छे से ये बन भी जाएगा। देखिए आप एक हाथों से बना सकते हैं या फिर दोनों हाथों से लेके फटाफट इसे लड्डू बना सकते हैं। मैं तो दोनों हाथों से बना लेती हूँ, जल्दी हो जाता है। और ये देखिए ये फटाफट हमारे लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। और अगर आपके सेम साइज़ में नहीं बन रहे हैं तो आप एक स्पून की मदद से एक एक स्पून लेके सेम साइज़ के लड्डू बना सकते हैं, पर मैं ऐसे ही सेम लड्डू बन जाते हैं। तो बस ऐसे हम सारे लड्डू बना के रेडी कर लेते हैं। और चाहे ये देखिए ये हमने जो पेपर कप आते हैं ना, उनमें हमने लगा दिया है जैसे मार्केट में लगे होते हैं। और ये हमारे बिल्कुल मार्केट जैसे सुपर सॉफ्ट टेस्टी लड्डू बन के रेडी हैं नारियल की। इन्हें आप 15 दिन तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। गर्मियों में भी आप इसे फ्रिज पे स्टोर करके रखेंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और मावा जब भी आप लेना तो ताज़ा ही कोशिश करके लेने के लिए, अगर क्योंकि आप इसे 15 दिन तक रखेंगे ना तो मावा भी बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा टेस्टी बन के लड्डू तैयार है। वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।